यहाँ जो जो भी लोग मन्नतें मांगते हैं माता पूर्ण करती है? एकदम निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जो जो गलत करते हैं उसका गलत सजा मिलता भी है। ऐतिहासिक पूजा भी है, आखिरी ऐतिहासिक पूजा है, तांत्रिक पूजा ये है। 2022 में ये जो दुर्गा पूजा का ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है और इस मेले में अनेक प्रकार के खेल तमाशा और साफ सफाई पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण यहाँ पे हुआ है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिद्धौर पंचायत में और यहाँ जो कि जो दुर्गा पूजा होती है ऐतिहासिक दुर्गा पूजा होती है मंदिर परिसर के बगल में है और कमेटी के जो भी सदस्य हैं मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस बार की दुर्गा पूजा किस तरह का दुर्गा पूजा होगा, किस क्योंकि कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद लोग एक बेहतर तरीके से मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज इस बार जो मेला आयोजन होगा किस तरह का मेला आयोजन होगा? देखिए सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया बंधु को, कि आपके माध्यम से हमारे गिद्धौर के ऐतिहासिक मेला का प्रचार प्रसार और स्वरूप का जानकारी होगा। पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण हमारे ये गिद्धौर के ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा सा लक्ष्मी पूजा समिति का आयोजन फीका पड़ा हुआ था और ये वर्ष 2022 में ये जो दुर्गा पूजा का ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है और इस मेले में अनेक प्रकार के खेल तमाशा और साफ सफाई पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण यहाँ पे हुआ है। जिला प्रशासन को कितनी मदद मिलती है आप लोग? जिला प्रशासन से जो प्रशासन है अभी हम लोग का शांति समिति का बैठक थाना में होती है हर बार, लेकिन अब की बार हो नहीं रहा, अभी कोई न्यूज नहीं मिला, देखिए कब तक मिलेगा। ऐसे हम लोग अपना पदाधिकारी और पूजा समिति का लिस्ट और मेंबर जो हैं वो सब हम सौंप चुके हैं थाना को। इस तरह से कई लोगों से हमारी बात हुई है और आयोजन समिति के सदस्य हैं और जिस तरह से यहाँ मेला बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से का आयोजन किया जाता है, तमाम लोगों से मैं भी मिला हूँ और बात किया हूँ, कुछ और लोगों से मैं बात करूँगा कि क्या कुछ इस बार का मेला में रहेगा। लोग बहुत श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, यहाँ का पूजा बहुत बहुत जसवली हैं और लोग बहुत श्रद्धा से और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूजा होती है और हम लोग चाहेंगे इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से हो, यही शुभकामना हम लोग के साथ रहेगा। यहाँ जो जो भी लोग मन्नतें मांगते हैं माता पूर्ण करती है? एकदम निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जो जो गलत करते हैं उसका गलत सजा मिलता भी है। ऐतिहासिक पूजा भी है, आखिरी ऐतिहासिक पूजा है, तांत्रिक पूजा ये है। मैं तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि जो खेल परिसर यहाँ है आयोजन समिति के द्वारा जो यहाँ लगभग खेल परिसर का आयोजन जो किया जा रहा है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के लिए मनोरंजन का जगह है और यहाँ मेले में आएंगे तो लुत्फ़ उठाएंगे। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कुछ इस बार मेला में देखा जाएगा? कुछ बहुत चीज़ आया है, सर्कस आया है, झुलुआ आया है, बहुत अच्छा है, यहाँ हर साल आता है भाई। इस बार मेला शांतिपूर्ण रहेगा, एकदम बढ़िया से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 साल कोरोना के बाद इस बार लोगों में उत्साह, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ सब मुस्तैदी रहेगा, पूरा गांव हमारे साथ है। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के भाई थे और उनसे भी बात हुई है, बिल्कुल शांतिपूर्ण मेला होगा क्योंकि ये राजा चंदेल वंश से ही यहाँ की मंदिर में एक ऐतिहासिक पूजा होती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस मंदिर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह मंदिर बरसों पुराना मंदिर है और यहाँ जो भी मान्यता मांगी जाती है वो पूर्ण होती है।